दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक स्किन की बीमारी होती है, यानी चर्म रोग एवं बाल रोग की बीमारी होती है, उसे बोलते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सेलिस। एलोपेशिया मतलब कि बाल का गिरना, यूनिवर्सेलिस मतलब कि पूरे शरीर से। तो ये बीमारी बहुत अनकॉमन बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि मरीज के सिर के बाल गिर जाते हैं, भौहें के बाल गिर जाते हैं, बगल के बाल गिर जाते हैं, नीचे जनन अंग के आसपास का नीचे पार्ट, यहाँ बाल गिर जाते हैं। ये सारे बाल जो शरीर में बाल और होते हमारे जो, ये सब बाल सारे गिर जाते हैं। इसे बोलते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सेलिस। ये नॉर्मली स्टार्ट होता है, देखो क्या होता है, ये नॉर्मली स्टार्ट होता है, ये नॉर्मली जो स्टार्ट होता है, पहले शुरुआत में पैची हेयर फॉल होता है, उसे बोलते हैं एलोपेशिया एरिएटा। जैसे इसमें देख रहे हैं आप, एक पैच, ये मल्टीपल पैच है, इस पर पैचे बाल गिरते हैं। तो अभी कभी पैचे कभी यहाँ गिर गया, कभी यहाँ गिर गया, कभी यहाँ गिर गया, कभी यहाँ गिर गया, कभी यहाँ गिर गए, फिर कभी आ भी जाते हैं, फिर कभी पैचेज बढ़ने लगते, कभी एक पैच हुआ, फिर पैच यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, फिर पैच कंबाइन होके सिर के बाल काफ़ी गिर जाते हैं। ये कभी जो उग भी जाते हैं, कभी चले भी जाते हैं। तो यही जब पूरे सिर के बाल गिर जाए, ये सब गिरने लगे, पूरे बॉडी बॉडी बाल यूनिवर्सलिस मतलब कि पूरी बॉडी के जब बाल गिर जाए, तो इसे बोलते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। जैसे कि आप इस मरीज इसमें देखिए, इसमें देख रहे हैं आप, ये था एलोपेशिया एरिएटा था, ये जो देखा आपने, आप देख रहे हो, दिख रहा है ना, पैची हेयर फॉल, ये पैची हेयर फॉल फोकस आ रहा बेटा, दिखाई दे रहा है, ये पैची हेयर फॉल हो गया। और इसी में जब पूरे बॉडी बाल गिरने लगते हैं, इसे बोलते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। दिख रहा बच्चों, दिख रहा ना जी, इसे बोलते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। अरे ये क्या, इससे बैटरी चल, लाइट चली गई, कोई बात नहीं। तो आखिर ये होता क्यों है, तो सुन लो, ये बीमारी एक तरह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसे होता क्या है, उस मरीज का इम्यून सेल हमारे एक चार्जिंग लगा दो, बिना चार्जिंग काम नहीं करेगा। तो हमारी की बॉडी के इम्यून सेल जो होते हैं, उसका काम होता है कि फॉरेन बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में है, उसको मारे। बट दुर्भाग्य उस किसी के अंदर, पहले दरवाजा पूरा बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, आवाज़ इस आवाज़ आएगी, पूरा बंद कर दो, हाँ। किसी के अंदर बॉडी की इम्यून सेल जो इम्यूनिटी सेल होते हैं, जिसका काम होता है फॉरेन बैक्टीरिया कीटाणु वायरस को मारना, वो अपने बॉडी के हेयर सेल को, बाल के सेल को, जहाँ बाल की जड़ की जो प्रोटीन होता है, उसको बैक्टीरिया समझ के कंफ्यूज कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि बैक्टीरिया है और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और पैचेज में हेयर डिस्ट्रॉय किया तो पैची हेयर फॉल हो गया, उसे बोलते हैं एलोपेशिया एरिएटा। पूरे बॉडी के हेयर डिस्ट्रॉय किया, उसे बोलते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। तो यह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती घटती रहती है, कभी इम्यून सेल हेयर कम डिस्ट्रॉय करते हैं या नहीं करते, तो बाल उग भी जाते हैं, फिर गिर भी जाते हैं। कभी सालों साल बाल उगे रहते हैं, कभी सालों साल बाल नहीं उगते हैं। बट जो हेयर डिस्ट्रॉय करते हैं, वो टेम्परेरी करते हैं, हेयर की जड़ खत्म नहीं होती है। जड़ के अंदर से बाल उगने वाले जो जड़ होता है, उसको टेम्परेरी वो टेम्परेरी डैमेज करके उसको उगने से रोक देते हैं। तो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ये कोई हार्मोन की गड़बड़ नहीं है,
बट क्या होता है, जिसको भी एलोपेशिया एरिएटा होता है या एलोपेशिया यूनिवर्सलिस होती है, तो कभी कभी सेम कन्फ्यूज इम्यून सेल थायराइड को भी डैमेज कर देते हैं, जिससे वो थायराइड की उनकी कमी जाती है। तो जिसको एलोपेशिया यूनिवर्सलिस या एरिएटा होता है, उनके थायराइड कमी चांसेस देखा गया है, तो उनका थायराइड चेक करने पर टी एस ए बढ़ा मिल सकता है। पर थायराइड की वजह से ये बीमारी नहीं हुई है, या किसी अन्य हार्मोन की गड़बड़ी से बीमारी नहीं हुई है। जब भी हार्मोन गड़बड़ी से थायराइड से बाल गिरेगा, तो भौहें नहीं गिरते कभी, पूरा एकदम पूरा सिर खाली नहीं होता है, बाल संख्या कम होती, लेकिन पूरा सफाचट ऐसा नहीं होगा जैसा हमारा है, ऐसा ये नहीं होगा। तो ये एलोपेशिया यूनिवर्सलिस है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो जान लो इम्यून सेल को सप्रेस करने के लिए स्टेरॉयड देना पड़ता है। स्टेरॉयड क्या आता है, बेटनेसोल, वाइसोलोन, प्रेडनिसोलोन, ओमनाकोटिन, इस तरह स्टेरॉयड स्किन डॉक्टर देते हैं, इसके स्पेशलिस्ट स्किन डॉक्टर होते हैं, स्किन हेयर वही देखते हैं, वो स्टेरॉयड देते हैं शॉर्ट कोर्स। कभी कभी इम्यून सप्रेशन अदर ड्रग्स दी जाती है, कभी लोकल एप्लीकेशन ड्रग दी जाती है। बट अगर आपका हेयर काफ़ी गिर चुके हैं, आपको कुछ दिन दवा से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, तो प्लीज़ मत इलाज कराओ, कोई फ़ायदा नहीं है। कोई स्टेरॉयड बहुत ख़राब दवा होती है, इससे वेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, हड्डी कमज़ोर होती है, बॉडी की इम्यूनिटी घटती है, कभी कभी ब्लैक फंगस खतरा हो जाता है। तो शॉर्ट कोर्स में बाल आ जाए ठीक है, तो लंबा टाइम स्टेरॉयड मत लेना, नुकसान करेगा। अगर सिर के बाल उग जाए, गिर गए, तो वहाँ विग लगा लो, और भौहें गिर गए तो वहाँ पे भौहें पे पिगमेंटेशन नकली भौहें वो लगा लो। मैंने आपको स्टेरॉयड लंबे टाइम लेना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। दुर्भाग्यवश इस बीमारी का कोई बहुत बढ़िया इलाज नहीं है अंग्रेजी दवाओं में। अच्छे स्पेशलिस्ट से दिखाइए, ये जो स्किन डॉक्टर होते हैं, हेयर डॉक्टर होते हैं, और उनके प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। अगर डॉक्टर कहता है कि इसका इलाज मत कराइए, तो मत कराइए, हो सकता है कुछ दिन अपने आप बाल उग जाएं, क्योंकि इम्यून ऑटोइम्यूनिटी बढ़ती घटती रहती है। कभी बॉडी खुद वो इम्यून सेल जो आपके हेयर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनको सप्रेस करके फिर से हेयर उग जाते हैं। तो आई होप आपको नॉलेज मिले कि एलोपेशिया एरिएटा क्या होता है, एरिएटा क्या होता है, एलोपेशिया यूनिवर्सलिस क्या होती है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये समझ के। आप अच्छे स्किन और हेयर डॉक्टर दिखाइए, आपकी प्रॉब्लम में सोल्यूशन मिलेगा।